नमस्कार, आप देख रहे हैं आठ प्रकाश टीवी। मैं अलीशा जुनेजा आपके लिए लाई हूं पांच राज्यों की बड़ी खबरें। जेके सीए घोटाले में फारूक अब्दुल्ला से ईडी ने की 6 घंटे की पूछताछ। इमिग्रेशन ठगों से जरा संभल के, लोगों के साथ पैसों की ठगी। हरियाणा के 3 जिलों में 26 करोड़ का पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला, अधिकारियों पर FIR दर्ज। नशे के आदि पति ने पत्नी को तलवार से काटा, हत्या कर हुआ फरार। स्टार क्रिकेटर हरभजन सिंह को झटका, राजीव गांधी खेल रत्न के लिए कटा नाम। हलवाई की दुकान की आड़ में ड्रग सप्लाई का धंधा करने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार। हिमाचल में जुटेंगे देश भर के फुटबॉल खिलाड़ी, चैंपियनशिप की तैयारियां शुरू। स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा साइबर सुरक्षा का पाठ। नाबालिग ने एक्सीडेंट किया तो पेरेंट्स को 3 साल तक की सजा। झुंगियों में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, हजारों को मिलेगा नया आशियाना। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबी पूछताछ की है। मामला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में हुए 43 करोड़ रुपए के घोटाले का है। अब्दुल्ला बुधवार सुबह 11:30 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 18 स्थित ईडी कार्यालय में अपने वकील के साथ पहुंचे, लेकिन ईडी ने उनके वकील को अंदर जाने से मना कर दिया। इसके बाद अब्दुल्ला अकेले ही ईडी कार्यालय में अधिकारियों के सामने गए। अब्दुल्ला से ईडी के आला अधिकारियों ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। इमिग्रेशन ठगों से जरा संभल के। इमिग्रेशन ठगों की ओर से जहां लोगों के साथ पैसों की ठगी की जा रही है, वहीं कुछ इमिग्रेशन एजेंट मानव तस्करी तक कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। इसमें मोहाली निवासी इमिग्रेशन एजेंट सन्नी बत्रा ने 2.5-2.5 लाख रुपए लेकर चगराव के 2 युवकों को नौकरी लगवाने की बात बोलकर मलेशिया भेज दिया। वहाँ जाने के बाद युवकों को 1.5 महीने तक एक कमरे में बंद रखा गया। हरियाणा के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में नया खुलासा हुआ है। 3 जिलों सोनीपत, रोहतक और झज्जर में ही बीते 3 साल में 26 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया गया। राज्य विजिलेंस विभाग की जांच में यह सामने आया है। इस घोटाले में बच्चों द्वारा भेजे गए आधार और खाते नंबर बदलकर राशि हड़पी गई। विजिलेंस विभाग में घोटाले में लिप्त डाटा ऑपरेटर से लेकर उच्च अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। पानीपत के गांव उरलाना कला में नशे के आदि एक इलेक्ट्रीशियन पति ने पत्नी की तलवार से काटकर हत्या कर दी। आरोपी पति वारदात को अंजाम देने के बाद 7 साल की बेटी और 9 माह के बेटे को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने महिला के मायके में सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे व शव को सामान्य अस्पताल पहुंचाया। इस मामले में पुलिस ने परिजनों के बयान पर 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए क्रिकेटर हरभजन सिंह का नाम खारिज कर दिया है। इसका कारण मंत्रालय ने आवेदन देर से आना बताया है। इसके बाद हरभजन सिंह का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटा है। उन्होंने पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर हरभजन ने खेल विभाग पर लापरवाही बरतते हुए देर से उनका आवेदन भेजने का आरोप लगाया है। पंजाब के बटाला में एक घर के अंदर हलवाई की दुकान की आड़ में ड्रग सप्लाई का धंधा करने वाले पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से हीरोइन, नशीली गोलियां, कंप्यूटराइज्ड तराजू के अलावा ड्रग सप्लाई कर घर में रखी लाखों की नकदी और बड़ी संख्या में मोबाइल भी बरामद हुए हैं। थाना सिविल लाइन की पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन ने अंडर 14 और अंडर 17 नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऊना जिले में अंडर 17 नेशनल चैंपियनशिप नवंबर में होगी। अंडर 14 सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को लेकर मैदान के चयन की प्रक्रिया चल रही है। हमीरपुर और मंडी में से एक जगह अंडर 14 सब जूनियर चैंपियनशिप अगस्त अंत और सितंबर के बीच होगी, जिसमें देश के नामी फुटबॉलर शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को अब साइबर सुरक्षा का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार के आदेश पर शिक्षा विभाग ने अगले सत्र में साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। 9वीं से 12वीं और कॉलेज के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया जाएगा। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल शिक्षा बोर्ड SRT सोलन और कॉलेज प्रिंसिपलों को आदेश जारी किए हैं। सड़क हादसे कम करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के सख्त प्रावधानों पर बुधवार को राज्यसभा ने भी मुहर लगा दी है। हिट एंड रन के मामले में मौत होने पर 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जो पहले 25,000 था। नाबालिग वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट करता है तो उसके पेरेंट्स को 3 साल तक जेल होगी।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 के बजाय 10000 रुपये जुर्माना लगेगा। पूर्वी दिल्ली में दिलशाद कॉलोनी के पास झुग्गियों में रहने वाले लोगों को अब बहुमंजिली इमारतों में रहने को जगह मिलेगी। इन्हें 30 वर्ग मीटर के फ्लैट मिलेंगे। इसके लिए DDA सदस्य और पूर्वी दिल्ली के उप महापौर संजय गोयल ने DDA उपाध्यक्ष को पत्र लिखा है। लोगों को इस आशियाने में स्कूटर की पार्किंग, पार्क, हेल्थ सेंटर और ओपन एयर थिएटर की सुविधा मिलेगी। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर लौटेंगे 5 राज्यों की बड़ी खबरों के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।